एनपी इंडिया में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए गाइडलाइन जारी की। इसमें कहा गया कि रोज योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन करें। सुबह या शाम वॉक पर भी जरूर जाएं। उतनी स्पीड में चलें जितनी आपको जरूरी लगे। पिछले 24 घंटों में 92,071 नए मामले कोरोना के सामने आए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता को संदेश दिया, पर कोरोना के बारे में उन्होंने केवल बात की। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र की जो बदनामी हो रही है उस पर फिर कभी बाद में बोलूंगा। मेरी खामोशी को कमजोरी ना समझें। कंगना का दफ्तर 9 सितंबर को तोड़ा गया था, उसके बाद वो लगातार उद्धव सरकार पर निशाना साध रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह को शनिवार देर रात 11 बजे एम्स में एडमिट किया गया था। एम्स ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि शाह को संसद के मानसून सत्र से पहले पूरे मेडिकल चेकअप के लिए भर्ती किया गया। एक दो दिन तक ये चेकअप चलेगा। 30 अगस्त को पोस्ट कोविड केयर से उबरने के दौरान उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। पिछले काफी दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन रविवार को हो गया। उनकी हालत बीते कुछ दिनों से खराब चल रही थी। राष्ट्रपति और पीएम ने शोक जताया। कोविंद ने ट्वीट कर लिखा कि रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन का समाचार दुखद है। जमीन से जुड़े और ग्रामीण भारत की असाधारण समझ रखने वाले रघुवंश बाबू का कद बहुत ऊंचा था। आज वैशाली में होगा उनका अंतिम संस्कार। कोरोना वायरस नए रूप में अटैक कर रहा है। डॉक्टर और एक्सपर्ट उन्हें लेकर अभी रिसर्च कर ही रहे होते हैं कि वायरस का कोई और खतरनाक रूप सामने आ जाता है। पीजीआई लखनऊ में कोरोना के ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनकी प्लेटलेट्स काउंट अचानक गिर चुकी है, जैसा कि आमतौर पर डेंगू के मामलों में होता है। योगी आदित्यनाथ सरकार अब नई सरकारी नौकरी में बड़े बदलाव को लेकर तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में अब नई सरकारी नौकरी पाने वालों की 5 वर्ष तक संविदा पर तैनाती होगी। उत्तर प्रदेश में अब आसान नहीं होगी नई सरकारी नौकरी, 5 वर्ष के बाद ही होगी मौलिक नियुक्ति। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले मुंबई में शिव सैनिकों के हमले का शिकार हुए। पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। पूर्व नेवी ऑफिसर मदन शर्मा से मुलाकात कर रामदास अठावले बोले, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू। भारतीय तेज गेंदबाज है श्रीसंत का 7 साल का बैन रविवार को समाप्त हो गया और अब वो मैदान पर आपको नजर आएंगे। 7 साल के बाद मैदान पर दिखेगा ये 37 साल का तेज गेंदबाज। अक्षय कुमार इस वक्त स्कॉटलैंड में अपनी फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस व्यस्त टाइम में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में पहले उन्होंने अपने फैंस से माफी मांगी, इसके बाद फैंस को तहदिल से शुक्रिया भी कहा। स्कोडा ऑटो ने भारत में रैपिड TSI के ऑटोमेटिक वेरिएंट के लॉन्चिंग की तारीख का खुलासा कर दिया। इस कार को भारत में 17 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, जिसका कंपनी हाल ही में अपने YouTube चैनल पर एक टीजर वीडियो भी पोस्ट किया है। और अधिक खबरों के लिए TNP इंडिया को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक आप जरूर करें। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि पल पल की खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुँचेगी।